ओम शांति। मुरली का तारीख है 27/2/2019। मीठे बच्चे, अपना चार ट्रको तो पता लगे कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। देह अभिमान पीछे हटाता है, देही अभिमानी स्थिति आगे बढ़ाती है। प्रश्न, सत्युग की आदि में आने वाली आत्मा और देरी से आने वाली आत्मा में मुख्य क्या अंतर होगा? उत्तर, आदि में आने वाली आत्माएं सुख की चाहना रखेगी, क्योंकि सत्युग का आदि सनातन धर्म बहुत सुख देने वाला है। देरी से आने वाली आत्मा को सुख मांगना आएगा ही नहीं, वहां शांति शांति मांगेंगे। बेहद के बाप से सुख और शांति का वर्षा हर आत्मा को प्राप्त होता है। ओम शांति। भगवान वाच। जब भगवान वाच कहा जाता है तो बच्चों को कृष्ण याद में नहीं आता, बुद्धि में शुबाबा ही आता है। मूल बात है बाप का परिचय देना, क्योंकि बाप से ही वर्षा मिलता है। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम शुबाबा के फॉलोअर्स हैं, नहीं, शुबाबा के बच्चे हैं। हमेशा अपने को बच्चे समझो, और कोई को यह पता नहीं है कि वहाँ बाप टीचर गुरु भी है। तुम बच्चों में भी बहुत है जो भूल जाते हैं, या याद रहे तो भी अहो सौभाग्य, बाबा को भूल जाते हैं। फिर लौकिक देह के संबंध याद आ जाते हैं। वास्तव में तुम्हारी बुद्धि से और सब निकल जाना चाहिए, एक बाप ही याद रहे। तुम कहते हो त्वमेव माताश्च पिता, अगर दूसरा कोई याद आता है तो ऐसे नहीं कहेंगे कि सद्गति में जा रहे हैं। देह अभिमान है तो दुर्गति ही होती है, देही अभिमानी हो तो सद्गति होती है। कभी नीचे कभी ऊपर, चढ़ते उतरते रहते हैं, कभी आगे बढ़ते हैं कभी पीछे हटते हैं। देह अभिमान में तो बहुत आते हैं, इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं चार ट्रको तो पता पड़े हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। सारा मदार है याद पर, नीचे ऊपर होते ही रहते हैं। बच्चे चलते चलते तक जाते हैं, फिर रांडिया मारते हैं बाबा या होता है, याद भूल जाती है। देह अभिमान में आने से ही पीछे हटते हैं, कुछ ना कुछ पाप करते हैं। याद पर सारा मदार है, याद से आयु बढ़ती है। इसीलिए योग अक्षर नामी ग्रामी है। ज्ञान की तो बहुत सहज सब्जेक्ट है, बहुत है जिनको ज्ञान भी नहीं है तो योग भी नहीं है। इससे नुकसान बहुत होता है, बहुतों से मेहनत होती नहीं है। पढ़ाई में नंबर वार तो होते ही है, पढ़ाई से समझा जाता है कि यहाँ कहाँ तक
सर्विस करते हैं। सबको शुबाबा का परिचय देना है। तुम जानते हो बेहद का वर्षा एक ही बेहद के बाप से मिलता है। मुख्य है माता पिता और तुम बच्चे, या हुआ ईश्वरीय कुटुंब। और कोई की भी बुद्धि में या नहीं होगा कि हम शुबाबा की संतान हैं, उनसे ही वर्षा लेना है। एक बाप को ही याद करना है, वहां भी निराकार शुबाबा। परिचय ही ऐसे दो, वहां तो बेहद का बाप है, उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकेंगे? बला उनसे वर्षा कैसे पाएंगे? पावन कैसे बनेंगे? बन ही नहीं सकेंगे। बाप गड़ी गड़ी कहते हैं, मन मनाबो, मुझे याद करो। या कोई भी जानते नहीं है कृष्ण को भी, वास्तव में सब नहीं जानते। वहां मोर मुकुटदारी यहाँ कैसे आएंगे? यहाँ है बहुत ऊंचा ज्ञान, ऊंचे ज्ञान में जरूर तोड़ी डिफिकल्टी भी होगी। सहज नाम भी है, बाप से वर्षा लेना तो सहज है ना? बच्चे डिफिकल्ट क्यों समझते हैं? क्योंकि बाप को याद नहीं कर सकते। बाबा ने बच्चों को दुर्गति और सदगति का राज भी समझाया है। इस समय सब दुर्गति में जा रहे हैं। मनुष्य मत दुर्गति में ले जाती है, या है ईश्वरीय मत। इसीलिए बाबा कॉन्ट्रास्ट बनवाते हैं। हर एक मनुष्य अपने से पूछे कि हम स्वर्गवासी हैं वा नरकवासी है, अब सत्युग है कहाँ? परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं, सत्युग को भी कल्पना समझते हैं। अनेक मत है, अनेक मत से दुर्गति होती है, एक मत से सदगति होती है। या तो बहुत अच्छा स्लोगन है, मनुष्य मनुष्य को दुर्गति में ले जाते हैं। एक ईश्वर सभी को सदगति देते हैं, तो तुम शुभ बोलते हो ना? बाप की महिमा करते हो। मां सर्व का बाप सर्व की सदगति करते हैं। बच्चों को बाप ने बहुत समझाया है। बल प्रभात फेरी निकालो, बोलो हेवनली गॉड फादर हमको यह पद प्राप्त करा रहे हैं। अब नरक का अंत आने वाला है। समझाने में मेहनत तो करनी पड़ती है। एरोप्लेन से पर्चा गिरा सकते हो। हम तो एक ही बाप की महिमा करते हैं, वही सर्व का सदगति दाता। बाप कहते, बच्चे मैं तुमको सदगति देता हूँ, फिर तुमको दुर्गति देने वाला कौन? कहा जाता है आधा कल्प है हेवन, फिर हेल। रावण राज्य माना ही असुरी राज्य, नीचे ही गिरते आते हैं। उल्टी रावण की मत से पतित पावन एक ही बाप है। हम बाप से विश्व का मालिक बन रहे हैं। इस शरीर से भी मोह निकाल देना है। अगर हंस बगुले इकट्ठे होंगे तो मोह कैसे निकलेगा? हर एक की सर्कमटेंस देखी जाती है।
हिम्मत है अपना शरीर निर्वाह आपे ही कर सकते हो, तो फिर ज्यादा झंझट में क्यों फंसते हो। पेट बहुत नहीं काता है, बस दो रोटी खाओ और कोई फुरना नहीं, फिर भी अपने से प्रण कर लेना चाहिए कि बाबा को ही याद करना है, जिससे सब विकर्म विनाश हो जाए। इसका मतलब या नहीं कि धंधा नहीं करना है, धंधा नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा, भीख तो नहीं मांगना है, या तो घर है शुबाबा के भंडारे से काते हैं, अगर सर्विस नहीं करते हैं तो मुफ्त में काते हैं, तो गोया भीख पर चलना होता है। 21 जन्म फिर सर्विस करनी पड़ती है, राजा से लेकर रंक तक सब यहाँ है वहाँ भी है, परंतु वहाँ सदैव सुख है, यहाँ सदैव दुख है। पोजीशन तो होती है ना, बाप से पूरा योग रखना है, सर्विस करनी है, दिल से पूछना है कि हम यज्ञ की कितनी सेवा करते हैं। कहते हैं ईश्वर के पास सब हिसाब बना बनाया है, उसको साक्षी होकर देखा जाता है कि इस चलन से क्या पद पाएंगे, या भी समझ सकते हैं कि श्रीमत पर चलने से कितना ऊंच पद पाएंगे, ना चलने से कितना कम पद हो जाता है, या सब समझने की बातें हैं। तुम्हारे पास प्रदर्शनी में कोई भी धर्म वाला आता है, बोलो बेहद के बाप से बेहद के सुख शांति का वर्षा मिलता है, बेहद का बाप ही शांति दाता है, उनको ही कहते हैं शांति देवा। अब कोई जड़ चित्र तोड़े ही शांति दे सकेगा। बाप कहते हैं तुम्हारा स्वधर्म है शांत, तुम शांति धाम में जाना चाहते हो, कहते हो शुबाबा शांति दो, तो बाप क्यों नहीं देंगे, क्या बाप वर्षा नहीं देंगे बच्चों को। कहते हैं शुबाबा सुख दो, वहां तो हेवन स्थापन करने वाला है, तो सुख क्यों नहीं देंगे, उनको याद ही नहीं करेंगे, उनसे मांगेंगे ही नहीं, तो वो देंगे भी क्या। शांति का सागर तो बाबा ही है ना, तुम सुख चाहते हो। बाप कहते हैं शांति के बाद फिर सुख में तो आना है, पहले पहले जो आएंगे वहाँ सुख पाएंगे, देरी से आने वालों को सुख मांगना आएगा ही नहीं, वहाँ मुक्ति ही मांगेंगे, पहले सब मुक्ति में जाएंगे, वहाँ तो दुख होगा ही नहीं। तुम जानते हो हम मुक्ति धाम में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे, बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे, इसको कयामत का समय कहा जाता है, सबका हिसाब किताब चुप्त होने वाला है, जानवरों का भी हिसाब किताब होता है ना, कोई कोई राजाओं के पास रहते हैं, उन्हों की कितनी पालना होती है, रेस के घोड़ों की कितनी संभाल होती है, क्योंकि
घोड़े तीखे होंगे तो कमाई अच्छी होगी, धनी जरूर प्यार करेंगे। यहाँ भी ड्रामा में नूंद है, वहाँ यहाँ होते ही नहीं। यहाँ रेस आदि बाद में शुरू हुई है, यहाँ सारा बना बनाया खेल है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी अब तुम जान गए हो। आदि में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, हम विश्व पर राज्य करते रहेंगे। हर एक समझ सकते हैं कि हम बन सकते हैं वा नहीं। हम बहुतों का कल्याण करते हैं, इसमें मेहनत करनी पड़े। जबकि बाप मिला है दुनिया वाले तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, विनाश के लिए क्या क्या बनाते रहते हैं। ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनाते हैं जिससे आग लग जाए। बम्बोर को आग कोई कम तोड़े ही लगेगी, बुझाने वाला कोई रहेगा नहीं। ढेर बॉम्ब्स बनाते रहेंगे, इसमें गैस पॉइजन आदि डालते हैं जो हवा चलने से ही सब खत्म हो जाएंगे। मौत तो सामने कड़ा है, इसीलिए बाप कहते हैं वर्षा लेना हो तो लो, मेहनत करो। टू मच धंधे आदि में मत जाओ, कितना चिंतन रखना पड़ता है। बाबा ने इनको तो छुड़ा दिया, अब यहाँ चींची दुनिया है। तुम बच्चों को बाप को याद करना है, जो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए और बाप से वर्षा ले लेवे। बहुत प्यार से याद करना है, लक्ष्मी नारायण का चित्र देखने से ही दिल खुश हो जाता है। यह हमारा एम ऑब्जेक्ट है, बल पूजा करते थे परंतु या मालूम तोड़े ही ताकि हम यहाँ बन सकते हैं। कल पुजारी थे, आज पूज्य बन रहे हैं। बाबा आया तो पूजा छोड़ दी। बाप ने विनाश और स्थापना का साक्षात्कार कराया ना, हम विश्व के मालिक बनते हैं। या तो सब खत्म होना है, फिर हम क्यों ना बाप को याद करें? अंदर में एक की ही महिमा गाते रहते हैं। बाबा आप कितने मीठे हो, तुम जानते हो हम सब आत्माओं का बाप वह एक ही है, उनसे ही वर्षा मिलता है। हम भक्ति मार्ग में उनको याद करते थे, वह परम धाम में रहने वाला है, इसीलिए तो उनका चित्र भी है। अगर आया ना हो तो चित्र क्यों होता? शिव जयंती भी मनाते हैं, उनको कहा भी जाता है परम पिता परमात्मा। बाकी तो सबको मनुष्य या देवता कहा जाता है। सबसे पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, पीछे और धर्म हुए हैं। तो ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। भक्ति मार्ग में तो बहुत रांडिया मारते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। जो आया महिमा करते रहते हैं, अनेक स्मृतियां हैं। बाप की स्मृति क्या करेंगे? तुम ही कृष्ण हो, तुम ही व्यास हो, तुम ही फलाना हो, या तो
ज्ञानी हुई, बाप का कितना अपकार करते हैं। बाप कहते ड्रामा अनुसार, या सब मेरा अपकार करते हैं। फिर मैं आकर सर्व का उपकार, सर्व की सदगति करता हूँ। मैं आया हूँ नई दुनिया स्थापन करने, यही हार जीत का खेल है। 5000 वर्ष का बना बनाया ड्रामा है, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। या ड्रामा का राज बाप बिगर कोई समझा ना सके। मनुष्य मत तो अनेक निकलती रहती है, देवता मत तो मिलती ही नहीं। बाकी है मनुष्य मत, हर एक अपना अकल निकालते रहते हैं। अब तुमको और कोई को भी याद नहीं करना है। आत्मा सिर्फ अपने बाप को याद करती रहे। मेहनत करनी है जैसे भक्त भी मेहनत करते हैं ना, बहुत श्रद्धा से भक्ति करते हैं। जैसे वहाँ भक्ति है, तुम्हारी फिर है ज्ञान की मेहनत। भक्ति में कम मेहनत करते हैं क्या? गुरु लोग कहते रोज 100 माला फेरो, फिर कोठरी में बैठ जाते हैं। माला फेरते फेरते घंटा लग जाता, बहुत करके राम राम की धुन लगाते हैं। यहाँ तो तुमको बाबा की याद में रहना है, बहुत प्यार से याद करना है। कितना मीठे से मीठा बाबा है, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और दैवी गुण धारण करो। खुद करेंगे तब दूसरों को भी रास्ता बताएंगे। बाप जैसा मीठा और कोई हो नहीं सकता। कल्प के बाद तुमको मीठा बाबा मिलता है, फिर पता नहीं ऐसे मीठे बाप को क्यों भूल जाते हो। बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो तुम भी जरूर स्वर्ग के मालिक बनते हो। परंतु कट उतारने के लिए बाप को याद करो। ना याद करने की ऐसी कौन सी मुसीबत आती है? कारण बताओ, क्या बाप को याद करना डिफिकल्ट है? अच्छा, मीठे मीठे लक्की सितारों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट, शरीर निर्वाह अर्थ, कर्म जरूर करो लेकिन टू मच झंझटों में नहीं फंसना है। ऐसा चिंतन धंधे आदि का ना हो जो बाप की याद ही भूल जाए। सेकंड पॉइंट, अनेक मनुष्य मतों को छोड़ एक बाप की मत पर चलना है। एक बाप की महिमा गानी है, एक बाप को ही प्यार करना है, बाकी सबसे मोह निकाल देना है। वरदान, नॉलेज की लाइट माइट से रंग को राइट में परिवर्तन करने वाले ज्ञानी तू आत्मा बवा। कहा जाता है नॉलेज इज लाइट माइट, जहाँ लाइट अर्थात रोशनी है कि ये रंग है, ये राइट है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है। तो रंग समझने वाले रंग कर्म व संकल्पों के वशीभूत हो नहीं सकते।
ज्ञानी तो आत्मा अर्थात समझदार, ज्ञान स्वरूप। कभी या नहीं कह सकते कि ऐसा होना तो चाहिए, लेकिन उनके पास रांग को राइट में परिवर्तन करने की शक्ति होती है। स्लोगन, जो सदा शुभ चिंतक और शुभ चिंतन में रहते हैं, वहां व्यर्थ चिंतन से छूट जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।